Hello, Let's read the question. And the question says that a thin conducting rod MN of of mass twenty gram, length twenty five centimeter, and resistance ten ohm is held on a frictionless, long, perfectly conducting vertical rails, as shown in the figure. There is uniform magnetic field B naught is equal to to 4 tesla directed perpendicular to the plane rod rail arrangement the rod is released from rest at time t bar 0 and it moves down along the rails assume air drag is negligible match each quantity in list 1 with an appropriate value from list 2 and choose the uh, choose the correct option गिवन द एक्सलेन डू टू ग्रेविटी जी बराबर टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ई टू दावर माइनस वन इज टू जीरो पॉइंट फोर तो ये सवाल में बोल रहा है कि एक रॉड है एम जिसका मास गिवन है लेंथ गिवन है रेजिस्टेंस गिवन है और ये जो है जो फ्रिक्शनलेस लेस जो रेल्स में वो नीचे की तरफ जो है मूव करता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है Tesla, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब जो है रॉड को रिलीज करते हैं टी बराबर जीरो पर तो इसमें सवाल में पूछा गया कि लिस्ट वन और जो लिस्ट टू में जो क्वांटिटीज उसको मैच करने के लिए तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा की कॉन्सेप्ट वो है कि ई एम एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इज उक्वल टू वी बी इन टू एल और फोर्स फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग वायर उसका फॉर्मूला होता है आई एल बी आई एल बी है ना तो ये सवाल में ध्यान से देखिए यहां पर जैसे मान लेते हैं कि एक रॉड है यहां पर जैसे रॉड तो ये रॉड को जब जो है रिलीज करेंगे टी बराबर जीरो पर तो इसमें फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट कर रहा है एम जी और ऊपर की तरफ जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा होगा एफ तो ये रॉड जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा इसमें और जितना ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा उतना ज्यादा तो उतना ज्यादा जो है इसमें करंट बढ़ेगा तो जितना ज्यादा तो जितना ज्यादा करंट इसमें आएगा उतना ज्यादा इसमें फोर्स लगेगा यानी कि जैसे जैसे नीचे आएगा रॉड वैसे वैसे इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये एफ जो है फोर्स वो Mg के बराबर हो जाएगा तो जब एम के बराबर हो जाएगा तो इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये रॉड जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करने लगेगा है ना तो ये जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग जो टर्मिनल वेलोसिटी ये तो ये वाला वैल्यू भी पूछा गया क्वेश्चन में है ना तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो इसमें नेट फोर्स जो लग रहा था वो कितना लग रहा था एम जी माइनस बी आई एल इज इक्ल टू फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एम से डिवाइड कर दोनों तरफ तो एज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस बी आई एल होल डिवाइडेड बाय एम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी बाईड यहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है वो जो है जो टाइम के साथ बढ़ रहा है तो जो है ना तो डी बाई डी लिख दिए तो अब आई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं ई का वैल्यू जो होता है ईजल टू क्या होता है वी बी एल है ना तो आई बराबर आईज उगल टू होता है ई बाई आर ई का वैल्यू वी एल है होल डिवाइडेड बाई आर तो यहां पर आई का कर देते हैं ये निकला आई आई पुट करेंगे तो हो बी एल होल डिवाइडेड बाई आर इंटू एल होल डिवाइडेड बाई एम तो एम को यहां लिख देते हैं तो हो जाएगा जी माइनस बी स्क्वार है ना तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इसका वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगा अच्छा जी का वैल्यू भी जो है वो टेन दिया है। तो उसको भी लिख देते हैं तो डी बी बाई डी टीवल और इधर था बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर है ना बी स्क्वायर बी का वैल्यू था चार एल का वैल्यू था uh, जीरो पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर by एम का वैल्यू था एम का वैल्यू था बीस ग्राम है ना जो ट्वेंटी ग्राम तो ट्वेंटी तो को अगर थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट होगा तो जीरो पॉइंट जीरो टू और आर का वैल्यू दिया दस इंटू वी अगर इसको सॉल्व करें तो dV बाई डी टी यहां हो गया दस चार का स्क्वायर सोलह जीरो पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर यानी जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट जीरो टू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो दस से तो जीरो पॉइंट टू हो जाएगा इंटू भी तो ये हो गया टेन सिक्सटीन इसको लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड इसको भी लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड और इसको लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू वी पूरा में भी तो ये फोर टाइम्स में कट जाएगा ये भी फोर बार में कट जाएगा फोर फोर जब सिक्सटीन होता है ये भी कैंसल आउट हो जाएगा है ना तो बचेगा इज़ इक्वल टू हो जाएगा टेन वन बाई जीरो पॉइंट टू था ना वन तो बाई जीरो पॉइंट टू फाइव होता है फाइव भी तो इसको सॉल्व करते हैं आप ये आगे मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको अलग अलग करते हैं वेरिएबल मेथड से दस माइनस पांच बी इज इक्वल टू तो हो जाएगा डी टी दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा एल एन यहां हो गया दस माइनस पांच बी और v का कोपिशन डिवाइड करेंगे तो माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा इधर हो जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी तो अब ये कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा अगर हम टी का वैल्यू जीरो पुट कर दें टी का वैल्यू जब जीरो था तो इस इनिशियल तो बी करें, तो करेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई फाइव एल एन टेन का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई फाइव एल एन यहाँ दस है ना तो इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा माइनस वन बाई फाइव एल एन यहाँ दस माइनस पांच बी इज इक्वल टू यहाँ हो गया टी माइनस कॉन्स्टेंट का वैल्यू पटकर माइनस वन बाई फाइव एल टेन तो इसको उधर ले जाए तो वन बाई फाइव एल एन टेन माइनस वन बाई फाइव एल एन टेन माइनस फाइव बी इज इक्वल टू टी तो वन बाई फाइव एल एन यहाँ टेन यहाँ, यहाँ, यहाँ दस माइनस पांच बी इज इक्वल टू हो जाएगा टी तो फाइव उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एलेन टेन टेन माइनस फाइव बी ई टू द पावर ये सॉरी यहाँ पर हो जाएगा फाइव टी तो इसको अगर एल एन जाए तो हो जाएगा दस टेन माइनस फाइव बी ई टू दावर फाइव टी अगर इसको उल्टा करके लिख दें तो टेन माइनस फाइव बी होल डिवाइडेड बाई टेन ई टू दावर माइनस फाइव टी तो यहां से आ, बी का वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा टेन माइनस फाइव बी टेन ई टू दावर माइनस फाइव टी तो v का वैल्यू हो जाएगा टेन माइनस टेन ई टू दावर माइनस फाइव टी इज इक्वल टू फाइव वी तो v का वैल्यू हो जाएगा टू वन माइनस ई टू दावर माइनस फाइव टी है ना तो ऑप्शन वन में बोल रहा था कि जो ना टी बराबर जीरो पॉइंट जो जो टू पर जो है ना ईएमएफ कहता है कहता डब्ल्यू तो ईएमएफ तो निकालने ईएमएफ निकालने के लिए पहले हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तो जीरो पॉइंट टू सेकेंड पर तो यहाँ जीरो पॉइंट टू पुट कर दिए वन माइनस फाइव इंटू जीरो पॉइंट टू जगह ई टू दी पावर माइनस माइनस वन का वैल्यू दिया जीरो पॉइंट फोर 1 0.4 0.6 0.6 2 यानी 1.2 मीटर पर सेकंड ये हो गया वेलोसिटी अब ईएमएफ निकालते हैं तो ईएमएफ का वैल्यू होता है vbl v का वैल्यू 1.2 बी का वैल्यू चार दिया है 4 टेस्ला लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर 25 100 तो ये कट जाएगा तो 4 से 4 खत्म यानी 1.2 ये निकल गया ईएमएफ का वैल्यू अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एट टी बराबर जीरो पॉइंट टू सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जीरो पॉइंट टू सेकेंड में मैग्नेटिक फोर्स कितना है तो जीरो पॉइंट टू सेकेंड में मैग्नेटिक फोर्स ये निकला पार्ट पी क्यू जीरो पॉइंट टू सेकेंड मैग्नेटिक फोर्स तो फोर्स बराबर होता है आई एल आई का वैल्यू बाई आर होगा ई का वैल्यू दिया वन पॉइंट टू निकाले हैं आर का वैल्यू दस है एल का वैल्यू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड यानी वन बाई फोर है बी का वैल्यू फोर है तो फोर से फोर कैंसल आउट हो गया तो एफ का वैल्यू आ गया जीरो पॉइंट वन टू इतना फोर्स लगेगा हम्म तो इसका जो थर्ड पार्ट में बोल रहा था पावर निकालने के लिए तो पावर बराबर क्या होता है एफ एन टू वी फोर्स निकाले थे जीरो पॉइंट वन टू और वेलोसिटी निकाले थे वन पॉइंट टू फोर्स हो गया जीरो पॉइंट वन टू वेलोसिटी वन पॉइंट टू तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट वन फोर फोर वॉट इतना पावर हो गया अब इसका जो ना जो एस पार्ट में बोल रहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए तो अभी हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ जो टाइम निकाले थे V इज इक्वल टू टू टाइम्स वन माइनस ई टू दावर माइनस फाइव टी है ना V इज इक्वल टू टू टाइम्स वन माइनस ई टू दावर माइनस फाइव टी ठीक है टू टाइम्स वन माइनस ई टू पावर माइनस फाइव अब जो ना स्टेडी स्टेट कब आएगा जो ना टी बराबर इन्फिनिटी पर तो या इंफिनिटी पुट कर देते हैं तो ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है यानी कि दो मीटर पर सेकेंड तो इसका जो टर्मिनल लॉस ही आ जाएगा दो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा है ना तो इसका जो ऑप्शन अगर हम चेक करें ऑपशन अगर हम चेक करें तो पी जो है वो मैच कर रहा था थर्ड वाला से ये पी क्यू का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ना मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्थ वाला से मैच कर रहा था पावर निकाले थे जीरो पॉइंट वन फोर फोर तो ये करीब करीब जीरो पॉइंट वन फोर हो गया और और जो टर्मिनल वेलोसिटी निकाले हैं दो मीटर पर सेकंड। तो यस तो ऑप्शन मैच करें तो पी का थर्ड क्यू का यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है वो मेरा सही हो जाएगा हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक